गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जल का शोधन, यानी कि जल को कैसे शुद्ध किया जाता है। तो जल का शुद्धिकरण निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। पहला है तलछट्टीकरण। नदियों के जल को तलछट्टीकरण हेतु एक बड़ी टंकी में एकत्रित किया जाता है। देखो, पानी को क्या करते हैं, एक बड़ी टंकी में एकत्रित कर लेते हैं। कुछ समय बाद टंकी तले में निलंबित अशुद्धियां बैठ जाती है, और जो भी पानी में जो अशुद्धियाँ होती है जल में, वो कहाँ बैठ जाती है, नीचे तल में बैठ जाती है। तलछट्टीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फिटकरी का। फिटकरी से पानी क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। एकत्रीकरण और छानना। जल को झीलों और नदियों से पंप द्वारा खींचकर जल टैंकों में एकत्रित किया जाता है। निलंबित अशुद्धियाँ टैंक के पेंदे में बैठ जाती है। इन पर तालाबों या टैंकों के जल को रेत की तरह में से प्रवाहित किया जाता है, जिससे अधिकांश ठोस अशुद्धियां वहीं रुक जाती है। क्लोरीनीकरण द्वारा। क्लोरीनीकरण यानी कि क्लोरीन गैस के द्वारा क्षणिक जल में, यानी कि छने हुए जल में उपस्थित कीटाणु को नष्ट करने के लिए उसमें क्षणित क्लोरीन गैस या ब्लीचिंग पाउडर भी मिलाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन गैस, इन दोनों को क्या करते हैं, मिलाते हैं। क्लोरीन जल में उपस्थित कीटाणुओं को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, क्लोरीनीकरण। ठीक है, यहाँ पे लाइन खींचो आप। क्लोरीनीकरण किसे कहते हैं, क्लोरीन जो जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर देती है उसे क्या कहेंगे, क्लोरीनीकरण। इसके अतिरिक्त घरों में जल को उबालकर भी शुद्ध किया जाता है। ओजोनीकरण। ओजोनीकरण यानी कि ओजोनिक गैस के द्वारा भी जल को ओजोनीकरण द्वारा भी कीटाणु रहित किया जाता है, क्योंकि ओजोन भी एक कीटाणु नाशक है। जल में ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है, जिससे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। घरों में पीने योग्य जल का शोधन। घरों में पीने योग्य जल को निम्न प्रकार से शुद्ध किया जाता है। पुरानी विधियों द्वारा शुद्धिकरण। देखो, पुरानी विधियां हैं जिनसे जल को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, चूना या पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा जीवाणु तथा अन्य रोगाणुओं से जल को मुक्त करने के लिए कुओं में चूना या पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं अथवा जल को उबालते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट एक प्रबल ऑक्सीकारक है, जो ऑक्सीकारक प्रक्रम द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। उबालकर जल को उबालने से भी विभिन्न प्रकार के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं तथा भारी अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। इसके बाद जल को छानकर उपयोग में लिया जाता है। तीसरी विधि अपने घड़ों की विधि द्वारा। देखो, यहाँ पे घड़े हुए बने हुए हैं, ठीक है। तो इन घड़ों, देखो, इस विधि में चार घड़े एक स्टैंड पर एक के ऊपर एक रख दिए जाते हैं। एक स्टैंड पर चार घड़ों को एक के ऊपर रख देते हैं। सबसे नीचे घड़े को छोड़कर अन्य तीन ऊपर घड़ों वालों में एक एक महीन छिद्र किया जाता है। जो ये तीनों घड़े हैं ऊपर वाले, इनमें एक छोटा छिद्र किया जाता है। तो सबसे ऊपर वाले घड़े में देखो, फिटकरी के कुछ टुकड़े डालकर अशुद्ध जल भर देते हैं। सबसे ऊपर वाले घड़े में क्या कर रहा है, अशुद्ध जल भरकर फिटकरी डाल दी। दूसरे वाले घड़े में क्या डाला है, कोयला। दूसरे वाले घड़े में क्या डाला है, कोयला। और तीसरे वाले घड़े में बालू भर देते हैं, बालू यानी कि रेत, रेत को भर देते हैं। अब देखो, सबसे ऊपर वाले घड़े से पानी पेंदी में बने छिद्र द्वारा रिसिस कर कोयले वाले घड़े में जाएगा। ऊपर वाला जो जिसमें अपन ने फिटकरी डाली थी, वो उसका पानी रिस रिस के किस में जाएगा, कोयले वाले घड़े में जाएगा। ठीक है, कोयला जल की अशुद्धि को क्या करता है, सोख लेता है। इसके पश्चात कोयले वाले घड़े से रिस रिस कर पानी कौन से वाले घड़े में जाएगा, बालू वाले घड़े में जाएगा। बूंद बूंद करके बालू द्वारा जल की अनेक अशुद्धियां दूर होती है, और बालू रेत से जल की क्या होती है, अनेक अशुद्धियां दूर हो जाती है। इसके पश्चात सबसे नीचे वाले घड़े में बालू वाले घड़े से शुद्ध जल बूंद बूंद करके इकट्ठा हो जाता है, और यह जल यह जल क्या होता है, पीने योग्य हो जाता है। गलनांक। गलनांक यानी कि जब कोई ठोस पदार्थ किस पर, तापमान पर पिघलता है या द्रव में बदल जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, गलनांक। देखो, एक बीकर में क्या लेंगे, अपन बर्फ के टुकड़े लेंगे। एक बीकर में क्या लेंगे, एक बीकर में बर्फ के टुकड़े लेंगे, ठीक है। तो इस थर्मामीटर का तापमान क्या दिखाई देता है, बर्फ का तापमान क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बर्फ का तापमान क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और कमरे के ताप पर बर्फ पिघलने लगती है। देखो, इस चित्र में
एक बीकर में क्या लिया अपन ने, बर्फ लिया, और बर्फ का तापमान क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कहाँ रखा, कमरे में, और कमरे में बर्फ क्या होती है, तब पिघलने लगती है, परंतु थर्मामीटर में ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही बना रहता है। अब इसमें एक क्या लगा दिया, थर्मामीटर लगा दिया। जब तक पूरी तरह बर्फ न पिघल जाए, बर्फ में नमक मिलाकर प्रयोग में फिर से दोहराएं। अब देखो बर्फ में क्या मिलाना है, नमक मिलाना है, और इस प्रयोग को दोहराते रहना है। क्या दोनों तापों में अंतर है, नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वह देर में गलती है। ठीक है, दूसरा वाला देखो, हमें ज्ञात है कि बर्फ का गलनांक क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बर्फ का गलनांक कुछ पदार्थों की उपस्थिति में बदल जाता है, यही जल का हिमांक है, क्वथनांक। चित्र के अनुसार उपकरण को व्यवस्थित कीजिए। परख नली में थोड़ा पानी डालिए, इसमें तापमापी थर्मामीटर इस प्रकार लटकाओ कि उसकी घुंडी जल की सतह से 1 या 2 सेंटीमीटर ऊपर रहे। एक परख नली लेनी है, उसके ऊपर क्या लगानी है आपको, एक घुंडी लगानी है जो जल की सतह से क्या है। परख नली को सावधानी से क्या करें, गर्म कीजिए। अब इसमें होने वाला परिवर्तन आ जाता है, तापमापी का पारा भी ऊपर चढ़ने लगता है। जब जल उबलने लगता है तो पुनः पाठ्यांक नोट करो, यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड निश्चित ताप पर ही उबलता है। जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और यह जल किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प के रूप में। यही जल का क्या है, क्वथनांक है। यानी कि जब तक अपन किसी वस्तु को गर्म करने पर वह वाष्प अवस्था में नहीं बदल जाती है, तो वह क्या कहलाती है, वह वाष्प अवस्था क्या कहलाती है, क्वथनांक। तो शुद्ध जल का क्वथनांक निश्चित होता है। वाष्पन, प्रत्येक पेड़ पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, रंध्र, और स्टोमेटा भी कहते हैं। इन्हीं रंध्रों से पौधों का अतिरिक्त जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है, और इन रंध्रों के द्वारा ही पौधों का जल किस में जाता है, वायुमंडल में जाता है, वाष्पीकृत होकर। यह क्रिया ग्रीष्म ऋतु में शीत ऋतु की अपेक्षा तीव्र गति से होती है, यह क्रिया वाष्पन कहलाती है। जैसे गीले कपड़ों का धूप में सूखना, गर्मियों में तालाब का सूखना, हरी सब्जियों का मुरझाना आदि। संघनन, वायुमंडल में ऊंचाई के साथ साथ ताप कम होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ताप भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और वायु भी कम होती जाती है। अधिक ऊंचाई पर पहुंचकर जल वाष्प ठंडी होकर पानी की छोटे छोटे बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जल वाष्प के जल में बनने की क्रिया को संघनन कहते हैं। यहाँ पे लाइन खींचो, जल वाष्प के जल बनने की क्रिया को क्या कहेंगे, संघनन। जब जल वाष्प जल में बदल जाती है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, संघनन। ठीक है, कठोर जल और मृदु जल। देखो जल दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, कठोर जल और मृदु जल। वह जल जो साबुन के साथ अधिक और शीघ्र झाग देता है वो क्या कहलाएगा, मृदु जल। क्या कहलाएगा, मृदु जल, जो साबुन के साथ शीघ्र झाग देता हो। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त जल कभी कभी साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता, ऐसा जल कठोरता के कारण होता है। अतः वह जल जो साबुन के साथ बहुत कम अथवा बिल्कुल झाग उत्पन्न नहीं करता क्या कहलाता है, कठोर जल कहलाता है। अभिले पदार्थों का थक्का जैसा बनाता है, कठोर जल कहलाता है। जल की कठोरता उबालकर अथवा रासायनिक पदार्थों की क्रिया से दूर की जाती है। कठोर जल से हानि, देखो कठोर जल से क्या क्या हानि होती है। कठोर जल साबुन के साथ झाग कम उत्पन्न करता है, अतः साबुन अधिक खर्च होता है। इसका स्वाद खराब होने के कारण इसको पीने के काम में नहीं लाया जा सकता। कठोर जल के प्रयोग से बॉयलरों की सतह पर एक पपड़ी जम जाती है, जिससे ईंधन खर्च होता है तथा बॉयलर भी फट जाता है। जल प्रदूषण, नदी में नहाने, कपड़े धोने, थूकने, मल मूत्र त्यागने, शवों तथा कूड़ा करकट को बहाने, नगरों में सीवर पाइप द्वारा गंदे जल को नदी में डालने से जल का प्रदूषण हो रहा है। उद्योगों तथा कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को नदी में बहाना भी जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। देखो जो कल उद्योगों से, फैक्ट्रियों से, कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वो नदियों में बहाना क्या होता है, जल का प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। जल में अशुद्धियां और हानिकारक पदार्थ मिलने से जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। वे अशुद्धियां जिनके मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है उन्हें क्या कहेंगे, प्रदूषक। प्रदूषक किसे कहते हैं, ऐसी अशुद्धियां
जिस जो जल के मिलने जिसमें जल मिलने पर क्या हो जाता है, जल प्रदूषक प्रदूषित हो जाता है, तो क्या कहलाएगा वह, प्रदूषक कहलाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे जल का संरक्षण, जल को कैसे बचाया जा सकता है, जल को कैसे रखा जा सकता है नियंत्रित करके। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रयास करना हम सभी का कर्तव्य है। प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है कि घरों, शहरों तथा औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले जल में उपस्थित निर्धारित पदार्थों को पृथक करने के उपरांत ही जल स्रोतों तथा नदियों में आदि में डाला जाना चाहिए। अर्थात फैक्ट्रियों से निकलने वाले जल को पृथक करके गंदे पानी को अलग करके और फिर जल स्रोतों और नदियों में डाला जाना चाहिए। कुएं के ऊपर टीन या एस्बेस्ट की छाजन डालकर कुएं की दीवार को ऊंचा करके जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। कुएं के ऊपर क्या क्या लगाना चाहिए, टीन की या एस्बेस्ट की, वो छाजन लगानी चाहिए या उसके ऊपर परत लगा देनी चाहिए वो टीन की। उससे क्या होगा, जल प्रदूषित नहीं होगा। जल स्रोतों के पास मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। बर्तन तथा कपड़े आदि नहीं धोने चाहिए। मृत जानवरों मनुष्य के शव को जल स्रोतों में नहीं फेंकना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। जनसंख्या नियंत्रण से प्रदूषण नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भविष्य में जल की समस्या के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्रदूषण को रोकने में वृक्ष के अधिक वर्षा कराने में योग सबसे अच्छा उपाय क्या है, प्रदूषण को रोकने, जनसंख्या नियंत्रण और वृक्ष जल का दुरुपयोग नहीं होता है, तो सबसे अच्छे उपाय यही है जल दुरुपयोग करने के नहीं रोकने के। ठीक है, पानी में आग लगना, क्या आप जानते हैं कि पानी में आग कैसे लगाई जाती है? आप भी पानी में आग लगा सकते हैं। एक गिलास में पानी लो, एक सोडियम का टुकड़ा और एक चिमटी की सहायता से मिट्टी के तेल से निकालकर पानी से भरे गिलास में डाल दीजिए। देखो क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है, ठीक है, उसमें एक सोडियम का टुकड़ा और एक चिमटी क्या डाल देंगे, मिट्टी का तेल, और इस गिलास को पानी पानी से भरे गिलास में डाल देते हैं। पानी में पड़ते ही सोडियम का टुकड़ा जलने लगेगा और पानी में आग लग जाएगी। ठीक है, तो कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।